आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राहुल प्रताप सिंह के बाद में, और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहां आया भी हूं और यहां घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहां के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊंगा और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। स्थिति में है कि वहाँ पर डेबरीज क्लियरेंस का काम लगभग पूर्ण हो चुका है, बट हम लोग रिपीटेडली दो बार तीन बार और करेंगे ताकि कहीं से भी आशंका की कोई गुंजाइश ना बचे, और मिसिंग पर्सन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स को लगातार एक्टिवेट किए हुए और ये पुलिस स्टेशन में, अस्पताल में और लोकेशन पे, घटनास्थल पे तीनों जगह जो है हेल्प डेस्क की टीम्स बैठी हुई हैं। किसी को भी किसी तरह की कोई जानकारी आपके माध्यम से भी कि उनको अपने मिसिंग पर्सन को रिपोर्ट करना है तो वहाँ पर रिपोर्ट करें वो, बट अभी तक में दो ही मिसिंग रिपोर्ट हैं और मॉर्चुरी में एक अनआइडेंटिफाइड फीमेल डेड बॉडी है, तो उसका तो डीएनए के लिए जो है परिजन कुछ जो दो मिसिंग हैं उनका मिलान कराएंगे, बाकी जो है एज ऑफ नाउ वहाँ पे जो एरिया को कॉर्डन ऑफ कर करके जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं, जो कमज़ोर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको लगातार मॉनिटर करेंगे कि फर्दर कोई क्षति ना पहुँचे। सर, आरोपी के खिलाफ अब तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? आरोपी उसमें तीन आरोपी हैं, 304, 308, 34 IPC की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के धारा के अंतर्गत भी, और तीन आरोपी अरेस्ट हुए हैं। हम लोगों ने आज उनको पेश भी किया है, पुलिस रिमांड की रिक्वेस्ट की है माननीय न्यायालय से, तो अभी उसकी क्या यथास्थिति बता पाएंगे और उसके बाद अनुसंधान में जितने भी तथ्य उनको सम्मिलित कर करके चालानी कार्रवाई करें। सर, और आगे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार शिकायतें हुई हैं, लेकिन और जो इसके अलावा जो दूसरी उसकी फैक्ट्री और गोदाम है उनको नहीं सर, सब जगह सर्च, वो हमारी टीम्स जो है सब जगह मौजूद है, कंबाइंड टीम जो SDM और SDOP की है वो सब जगह मौजूद है। कोशिश हम लोग का ये रहेगा कि आज शाम तक ही नहीं तो कल दोपहर तक सारे प्रमाइसेस सर्च कर लें कि जिन नियमों के अंतर्गत लाइसेंस लिया है वो पालन हो रहा है।